आज हम बात करेंगे जेड प्लांट के ऊपर। आज सितंबर महीना हमारा आधे से ज़्यादा हो गया हुआ है, तो देखते हैं कि इसके ऊपर हम क्या क्या केयर टिप्स कर सकते हैं, अभी क्या क्या करना है अपने इस टाइम प्लांट को। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने बहुत ही खूबसूरत से मैक्सिकन पिटूनिया, जो कि कितने सारे खिले हुए यहाँ पे और तीन कलर के हैं। वाइट अभी एक ही खिला है, वाइट शायद बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो बहुत ही कम खिलता है, मतलब बहुत ही स्लो खिलता है। और ये मेरे आज की ब्लूमिंग है। तो चलो आते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा, उमाज गार्डन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप इस टाइम अपने जेड प्लांट के ऊपर क्या करें, क्योंकि अब हमारी जो विंटर है वो आने वाली है, तो आपको इस टाइम क्या क्या करना है अपने जेड प्लांट के ऊपर, कि जिससे कि जो आपका जेड प्लांट है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और जो एक्स्ट्रा अनचाही ग्रोथ है उसको आपने क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, अब सर्दियां शुरू होने वाली है, तो आप सभी को अपने जो जेड प्लांट को है वो सबसे पहले आपने डायरेक्ट सनलाइट पे छोड़ देना है। अगर आपने उनको सेमी प्लेस में रखा हुआ था अब तक, अब आप उनको डायरेक्ट क्या कर दें, सनलाइट पे छोड़ दें। क्योंकि अगर आप इसको सेमी प्लेस में रखोगे तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो इस तरह से येलो हो जाएगी। आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, इसमें एक ही पत्ती मिली मुझे अभी तक पूरे, उसमें देखो पूरा कितना अच्छा सा है। और इसमें आप दोस्तों जो कीड़ों का जो अटैक होता है ना, जो इस तरह से हमारे पत्ते को खा जाता है, आपने नीम ऑयल की स्प्रे करनी है इसके ऊपर, अच्छे से शावर करना है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर अच्छे से शावर तो कर दिया हुआ है, और मेन है इसका सनलाइट का, कि आपने इसको सनलाइट देना है। और पानी की रिक्वायरमेंट अब आपने इस टाइम इस पर क्या करनी है, पानी आपने इस टाइम बहुत ही कम देना है दोस्तों। हो सके आप इसको हफ्ते में एक बारी पानी दें, पानी इतना देना है कि एक बारी में कि आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से गिल्ला हो जाए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए, उतना पानी आप एक बारी में दें। तो आपको फिर पूरे हफ्ते या 10 दिन तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी, और आपका प्लांट बहुत हेल्दी होगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैंने जैसे इसको रात को पानी दिया हुआ, पानी देने का भी टाइम होता है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग देते हो तो भी अच्छा है, अगर आप इसको बिल्कुल शाम को जैसे 6 बजे के बाद पानी देते हैं तो भी आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद दोस्तों अब क्या करना है हमने, आपने देखो नंबर 3 पे, ये देखो इसमें जो अनचाही है इसकी एक्स्ट्रा है, इसको इस तरह से जो एक्स्ट्रा टिप है ना, इस हमें नहीं चाहिए, तो इनको आपने यहीं से प्रून कर देना है। ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से ये आपने क्या कर देनी है, प्रून कर देनी है। तो ये हमें नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, नई ब्रांचेस और मिल जाएगी इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारी जो ब्रांचेज है, अगर आप इसको और बुशी बनाना चाहते हैं तो जैसे ये देखो यहाँ पे बहुत सारी इस तरह से, ऐसे इस तरह से आप इसकी कटिंग करते रहें, ये देखो इस तरह से, तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा फैल गई यहाँ पे, ये देखो इस तरह से, ये देखो नीचे से इसको इस तरह से आपने ट्रिम कर देना है। तो देखो ये इस तरह से सभी को ट्रिम करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने आपको इस तरह से दिख रहा होगा, कहाँ जैसे आपको ज़्यादा लग रहा है ना, तो वहाँ आपने कट कर देना, जो आपको लग रहा कि एक्स्ट्रा है वो हमें नहीं चाहिए, वो आपने वहाँ से ट्रिम कर देना है। जैसे कि मुझे ये एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ से जो भी आपको दिखता है ना, इस तरह से उसको ट्रिम कर दीजिए। नई नई ब्रांचेज आ जाती है, नई नई ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर अभी हो रही है, धीरे धीरे से हो रही है, तो इस तरह से आपने क्या कर देना है, इसको ट्रिम कर देना है, ये इसका मेन काम है। जैसे कि ये वाला देखो, मैंने ट्रिम कर करके कितना बुशी बना दिया, देखो मैं आपको बोलती रहती हूँ कि इसको देखो ट्रिम करो इस तरह से, जितना आप इसको ट्रिम करोगे उतना ही आपको ये और ज़्यादा बुशी मिलेगा। जैसे कि ये देखो यहाँ पर, इसको भी मैं इसको यहाँ से ट्रिम करूँगी यहाँ से, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो एक बारी कवर करने की ज़रूरत है, उसके बाद तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही अच्छे से बुशी हो जाएगा। जैसे कि अब मैं इसको यहीं से इसको कट कर दूँगी यहाँ से, तो ऐसा नहीं सोचना कि इसकी ग्रोथ अभी हुई नहीं है तो मैं इसको ट्रिम नहीं करूँ, ट्रिम करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्लांट के लिए, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, इसको भी बहुत अच्छे से ट्रिम करना है, तो इसकी लुक देखो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एकदम बराबर लेना है अपने प्लांट का। ये भी हो गया, अब बात रही इसको कि आपने फर्टिलाइज़र कौन सा देना है अपने प्लांट को। तो जो आपकी ये कटिंग होती है, आपको लगता है कि बड़ी बड़ी सी कटिंग है, तो आप इसको किसी और उसमें लगा दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी कटिंग इकट्ठा ही लगा दी, देखो इस पर इस तरह से, तो ये थोड़े टाइम बाद बहुत अच्छी मुझे रिजल्ट देगी। तो जो इस तरह से जो ये वाली कटिंग होती है, इनको फेंकना भी नहीं है। तो बात करते हैं इसको आपने कौन सा फर्टिलाइज़र देना। तो दोस्तों अच्छे से गुड़ाई करके इसकी,
अच्छे से गुड़ाई करने के बाद मैंने इसमें क्या करा है, गोबर की खाद डाल दी हुई, देखो। तो इसमें क्या करना है, अच्छे से गोबर की खाद डाल देनी है, और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखो इस तरह से। और अब देखो आप, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी हो गया हुआ है, ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा हार्डी हो गया हुआ है। अगर आपको लगता है कि नीचे की आपको ब्रांचेज नहीं चाहिए तो आप इसको कट कर सकते हैं, और यहाँ आप इतना प्यारा सा बुद्धा सा लटका सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पर ना थोड़ी सी मुझे ये एक्स्ट्रा ग्रोथ लग रही है, ये इस तरह से ग्रोथ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप क्या करें, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको इस छोटा कर दे। तो इस तरह से आप अपने प्लांट के साथ करें, तो ताकि आपको देखने में बहुत अच्छा लगे इस तरह से दूर से, देखो। तो खाद भी हो गया, पानी भी हो गया, सनलाइट भी हो गया। अगर आप चाहे इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालते रहें, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा होता है आपके प्लांट के लिए, जिससे कि जो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसे ये देखो, इस तरह से जो पूरा प्लांट आपका ना इस तरह से भर जाता है, उसको आपने एक्स्ट्रा से क्या कर देना है, इस तरह से कट कर देना है, देखो इस तरह से, ताकि जो आपका जो है ना थिक होने में ज़्यादा टाइम ले, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाए आपके प्लांट की, ठीक है। इस तरह से ये देखो, इस तरह से जो ये वाली कटिंग है, इसको आपने फेंकना नहीं, इसको आपने लगा लेना है इस तरह से। मैं भी इसको कुछ शेप जैसी दे रही थी, ऐसे मैंने सोचा इसको कट कर दूँ, ऊपर बॉल जैसा बना दूँ, लेकिन फिर सोचा कि इसको मैं इस तरह से देती हूँ और इसको ऐसे करके देती हूँ, कुछ ऐसा नया जैसा ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँगी। तो जो मेरा यहाँ नीचे है, बस बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से, इसको मैं अब ट्रिम नहीं करूँगी ऐसे, देखो। तो ये मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रही है, ये वाली ब्रांच यहाँ पर। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से शेप दूंगी तो हो सकता है कि मेरे काम आ जाए, इसको नहीं छेड़ूंगी अभी। तो बस आपने यही करना है मेन, अगर पानी नहीं देना है और गुड़ाई करते रहना है, इसकी गुड़ाई करते रहना, जो इसकी मिट्टी है बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। और डायरेक्ट अब सबसे ज़्यादा मेन है इस टाइम सनलाइट दोस्तों, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, ठंड भी पड़ने वाली है, तो आपने पानी का ध्यान रखना है। पानी आपने हफ्ते में 15 दिन में देना है, जितना आपके प्लांट को चाहिए उतना ही पानी आपने देना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं देना है, ठीक है। तो चलो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। इस तरह से ये देखो,